Hello friends, meets once again myself Abhishek from your brain. Last video mein humne dekha tha how to check broken link and internal structure link and all. Aaj hum dekhenge 404 error SSL certificates wo kya hote hain aur SEO mein iska kya requirement hoti hai. 404 almost आईटी फील्ड से हो तो इतना तो सबको मालूम ही होगा 404 किस लिए शो होती है. फिर भी मैं बता देता हूँ, जब हमारी साइट का कोई पेज ओपन नहीं होता है तो 404 एरर डिस्प्ले होती है. लाइक एज एग्जांपल के तौर पे ये कोई एक साइट का एग्जांपल है, इसके अंदर कोई ये ऐसा कुछ यूआरएल बनाया हुआ है और ये ओपन नहीं होता है तो 404 एरर डिस्प्ले होती है. ये SEO में बहुत ही बेड इफेक्ट क्रिएट करती है. कैसे? सपोज के मेरा कीवर्ड है, इसमें हमारा रैंकिंग आया हुआ है, ये URL यहाँ पर रैंक हो चुका है हमारा, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और अगर ये पेज अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, हमें 404 की एरर डिस्प्ले होगी. सो आप ही सोचिए, आपकी कंपनी का कोई कीवर्ड रैंकिंग में है और उसमें दिखा रहे हैं कि ये पेज अवेलेबल नहीं है तो बेड इम्प्रेशन क्रिएट होती है साइट की. इसलिए हमारी साइट कभी कभार यहाँ से रैंकिंग में से चली जाती है. सो इससे बचने के लिए क्या करें? तो इसके बचने के लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं स्लैश करके कुछ भी टाइप करूँ तो ये एक URL के तौर पे ही लेगा, लेकिन जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो चेक करेगा ये पेज अवेलेबल है या नहीं है. अगर अवेलेबल होगा तो वो पेज डिस्प्ले करेगा, अगर नहीं होगा तो होम पेज पे ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा. सो इसे बोलते हैं 404 हैंडलिंग. ये कैसे करना है? अगर आपको थोड़ा बहुत डेवलपिंग आता है तो आप HT एक्सेस करके फाइल आती है हमारे होस्टिंग में, वहाँ पे जाके आप इजीली कर सकते हैं. वहाँ पर एक सिंपल स्क्रिप्ट ही होती है जो हमें वहाँ पर पेस्ट करनी होती है, जो स्क्रिप्ट हमें इजीली कहीं भी से मिल सकती है. जस्ट हमें गूगल में टाइप करना है 404 टू होम पेज. सो यहाँ पे हमें इजीली, अगर आपकी साइट वर्डप्रेस में है तो आपको इजीली प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है. अगर आपकी साइट HTML में है तो उसके रिलेवेंट कोड हमें रेडीमेड ही मिल जाता है. जस्ट हमें वो कोड कॉपी करना है और ये PHP का कोड है तो हमारी साइट जिसमें डेवलप हुई है उसके रिलेवेंट कोड ढूंढ के हमें सिर्फ वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होता है. एक बार फिर से मैं कहूँगा कि ये एक्चुअली डेवलपमेंट साइट से आता है. सो अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट आप सिंपली डेवलपर को भी बता सकते हैं कि 404 एरर डिस्प्ले हमारे पेज में नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह होम पेज में रीडायरेक्ट हो जाने चाहिए. सो इस तरीके से 404 एरर से हमें प्रोटेक्ट होना है. आगे हम देखेंगे SSL सर्टिफिकेट क्या होता है. SSL सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो HTTPS, यानी कि ये सिक्योर साइट है, ऐसा इसका मीनिंग होता है. सो ये कैसे सेटल करना है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एज ए गूगल SEO एल्गोरिदम के हिसाब से HTTPS वाली साइट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है रैंकिंग में आने के लिए. सो HTTPS अगर आप अपने साइट में भी इंटीग्रेट करते हो तो एक प्लस पॉइंट होगा SEO स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू कि आप रैंकिंग में जल्दी से आ पाओगे, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ आप इजीली आप उसे बीट कर पाओगे अगर उसका HTTPS नहीं है तो. इसमें एक और बात खास ध्यान रखनी है, जनरली ये जब भी ऐसा करते हैं तो सपोज गूगल क्या समझता है, ये मेरा URL है, इसमें अगर मैं सिर्फ यही टाइप करूं तो भी ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर ये यहाँ पर HTTPS पे ही आ जाता है. सपोज़ कि मैं www ना रखूं, जस्ट ऐसे ही टाइप करूं तो भी यहाँ पर ये अपने आप ले लेता है.
ये होना ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ www नहीं रखता, https रखता हूँ तो भी ये ले लेता है। अगर यहाँ पर हर बार अलग अलग डोमेन के ऊपर साइट ओपन होगी तो एज ए गूगल ये उसे डिफरेंट साइट के तौर पे काउंट करेगा। सो ऐसा ना हो इसलिए ये रीडायरेक्शन होना ज़रूरी है, वो भी आप अपने डेवलपर को बता के ही कर पाओगे। सो ये SSL सर्टिफिकेट जब आप इंटीग्रेट करें तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ वेब मास्टर टूल में भी हमने कौन सी लिंक रखी है वो भी हमें जानना ज़रूरी होता है। वेब मास्टर टूल में हमने जो भी लिंक रखी है वही वहाँ पर सेट हो वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो भी लिंक आपने इंटीग्रेट किया होगा वही लिंक यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और ये वेब मास्टर टूल में कैसे आप डेटा अपने ला सकते हो साइट के, इसके लिए मैं वेब मास्टर टूल इंटीग्रेशन क्या होता है वो मैं अपने ऑन पेज के वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इजीली यूट्यूब में कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ सीखना है या फिर कुछ भी है तो आप जस्ट वहाँ पर कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उसके रिलेवेंट वीडियोस बनाऊँगा या फिर आपको पर्सनली सिखा दूँगा वो चीज़, अगर वीडियो पॉसिबल अभी नहीं होगा तो। थैंक यू।